कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। अनवे सर, जो गिनती करने आते हैं आपके घर में जनसंख्या के लिए, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, उनको कहा जाता है अनवे सर, इन्विजिलेटर, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, यहां से इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, बारबांका बंटन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसका नाम बारबांका बंटन सारणी, ये आपका वर्ग अंतराल, ये मिलान चिन्ह, वो बारबांका, ठीक है। इसमें से कोई भी एक को चुन लेते हैं तो 10-20 चुनते हैं, 10 लोअर लिमिट निम्न सीमा, 20 अपर लिमिट ऊपरी सीमा, या उच्च सीमा भी करते हैं, उच्च सीमा या कह सकते हैं आप इसको ऊपरी सीमा, ठीक है, एक ही चीज है, लोअर लिमिट अपर लिमिट निम्न सीमा ऊपरी सीमा। 20 में से 10 घटाइए, यानी कि अपर में से लोअर को माइनस कीजिए, उच्च में से निम्न माइनस करेंगे तो कितना आता है 10। ये कहलाता है क्लास टाइप, यानी कि वर्गमान, जिसको शॉर्टकट में एच करके दिखाया जाता है। आप लोग जब मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे उसमें इसका हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है, शॉर्टकट में उसको क्या कहते हैं एच। अब आता है एच मतलब हाइट, ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 30/2, यानी कि 50 डिवाइड करके, ठीक है, उसको कहते हैं क्लास मार्क, यानी आपने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, वो कहलाता है क्लास मार्क वर्ग चिन्ह। इसको आप लोग शॉर्टकट में एक्स आई के नाम से जानेंगे, यदि आप लोग जब पढ़ेंगे मीन मीडियम मोड तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला यहां बनाया गया है, क्लास साइज का होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिख लीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, क्लास मार्क का होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ठीक है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बाई 2, यहाँ पर निम्न सीमा ऊपरी सीमा बाई 2, यहाँ पर है। और एक है रेंज, ये रेंज बहुत आसान है, इसमें से सबसे छोटा कौन है तो 0, सबसे बड़ा कौन है तो 9। तो जब हम लोग उच्चतम आंकड़ा यानी कि 9 में से किसको माइनस कर देंगे 1 को, तो जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा परिसर या रेंज। फिर से जब हम लोग सबसे हाईएस्ट आंकड़ा कौन है 9, उसमें से सबसे लोएस्ट आंकड़ा कौन है 1 को माइनस कर देंगे तो कहलाएगा परिसर या रेंज। सबका कितना बड़ा भी डाटा दिया रहे उसका सबसे मिनिमम खोजिए और सबसे मैक्सिमम, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दीजिए, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा रेंज या परिसर, ठीक है। थोड़ा सा फिर से ध्यान दे दीजिए, जब हम लोग अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो क्लास साइज पता चलता है, और जब दोनों को ऐड कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या पता चलता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को शॉर्टकट में एक्स आई और वर्ग माप को शॉर्टकट में एच, जो कि मीन मीडियन मोड में आपको समझना है। फिर से बताओ से देख लें, आंकड़ा ऐसा नंबर जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो आंकड़ा या डाटा, दो तरह का होते हैं, जो आप खुद कलेक्ट कर लेंगे खुद से तो वो प्राइमरी, जो किसी और से मांग करेंगे तो सेकेंडरी। अन्वेषक जो गिनती करता है ये सब काम करेगा उसे कहते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आप अन्वेषक और कोई दूसरा किया तो वो अन्वेषक, इन्विजिलेटर। बाकी यहां से तो हम लोग समझ ही गए थे कि ऊपरी सीमा निम्न सीमा क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक वीडियो में पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे।